नमस्कार दोस्तों, हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी और 17 टेस्ट द हिंदू PIB करंट अफेयर्स के हो चुके थे। 18वां टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग टेस्ट सीरीज को बेहद ईमानदारी के साथ में देते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी बता सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन देते ज़रूर रहिए, ठीक है। कम से कम करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है। राइट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है? 2017 का अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार रिचर्ड एच थेलर को मिला। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसको राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के अध्ययन के लिए दिया गया। तो इनको जो राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के अध्ययन के लिए दिया गया है इकोनॉमिक्स 2017 का नोबेल पुरस्कार। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। और देखिए दोस्तों, जैसे लोग आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आंसर बताने जा रहा होता हूँ तो उस समय आप लोग वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या तो कहीं कॉपी या कहीं पे भी नोट डाउन कर लिया करिए कि आपके कितने को आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो सकता है। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इनको जो अर्थशास्त्र का नोवेल दिया गया है 2017 का, वो राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए नहीं दिया गया, इन्हें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर अध्ययन के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार एक्ट 1983 में आया। और सेकंड स्टेटमेंट, इसके चेयरमैन रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट हैं, आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि NHRC जो एक्ट आया था वो 1993 में आया था, 1993 में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है। और दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं इसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जज नहीं होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रहा है। अब NHRC एक्ट कब आया? 1993 में, ठीक है, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है आपको। राइट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, UN की एक एजेंसी है। सेकंड स्टेटमेंट, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग UN की एजेंसी नहीं है, ये UN का पार्ट नहीं है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट UN को जरूर करती है, यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट करती है, ठीक है। और इसको 1957 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना में है। और ये इसका काम क्या होता है? IAEA का, ये यूरेनियम के दुरुपयोग ना हो, इसकी जो इनरिचमेंट है यूरेनियम की वो ना कोई कर सके, गलत उपयोग ना कर सके, इन सब चीज़ों को ये एजेंसी देखती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, मिशन भागीरथ किससे संबंधित है? पीने योग्य पानी से, नदियों की सफाई से, नदियों की गाद की समस्या से, बिजली के उत्पादन से। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पीने योग्य पानी से। यह तेलंगाना सरकार की योजना है, तेलंगाना की एक योजना है भागीरथी, जिसके माध्यम से पीने का पानी जो है घर घर तक पहुंचाना, वो भी पाइपलाइन से, ठीक है। और इसी पाइपलाइन में इंटरनेट की लाइन भी डाली जा रही है, जिससे दोनों चीज़ें लोगों के पास घरों में पहुंच जाए, ठीक है। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, वयोश्रेष्ठ सम्मान किस वर्ष शुरू किए गए थे?
वयोश्रेष्ठ सम्मान कब शुरू किए गए थे? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2003, 2004, 2005, 2006। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2005 से वयोश्रेष्ठ सम्मान शुरू किए गए थे। ठीक है, ये नेशनल अवार्ड है, ठीक है, सीनियर सिटीज़न का। और ये सीनियर सिटीज़न जो व्यक्ति होते हैं उनकी, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई व्यक्ति है उन सीनियर सिटीज़न की सेवा कर रहा है, ठीक है, तो उनको ये दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, वयोश्रेष्ठ सम्मान, जो वृद्धों वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, जो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन, दो लोगों को मिल सकता है, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या संस्था हो या आपका कोई व्यक्ति हो, ठीक है, जो वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं उनको ये वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल बीटी, बॉब डिल्लन, योशिनारा काजुओ, इशिगुरो। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, काजुओ इशिगुरो, जो कि ब्रिटेन के नागरिक हैं, ठीक है, अंग्रेजी नागरिक हैं ये, इनको 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर, सत्य कथन को चुनना है आपको। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2017 में भारत की रैंक 108 है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2017 में, उसमें भारत की, इंडिया की जो रैंक है वो 108 है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इस वर्ष की थीम भूख से असमानताएँ हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2017 है इसमें भारत की रैंक 108 नहीं है, 100 है, 100, ठीक है, 119 देशों में। और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इफ्री के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारतमाला न्यू इंडिया का भाग है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसमें सड़कों का निर्माण होगा, भारतमाला प्रोजेक्ट से सड़कों का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारतमाला जो योजना है ये न्यू इंडिया का भाग है, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट, इसमें सड़कों का निर्माण किया, इसमें 34,000, लगभग 34,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना का एक भाग है। चलिए आगे देखते हैं। नवा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2017-18 में कितनी अनुमानित की है? 7%, 6.7%, 6%, 7.2%। नवे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.7% अनुमानित की है 2017-18 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहली बार कच्छ में जुरासिक काल के समुद्री सरीसृप इस्थियोसारस के जीवाश्म मिले हैं। इसकी लंबाई 5.5 मीटर है। अब ये कच्छ का जो रीजन है गुजरात में, वहाँ जुरासिक काल के समुद्री सरीसृप जिसको इस्थियोसारस के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट, इसकी लंबाई 5.5 मीटर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दसवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अभी हाल ही में कच्छ गुजरात में जुरासिक काल के समुद्री सरीसृप जिसका नाम इस्थियोसारस है उसके जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई जो आंकी गई है वो 5.5 मीटर है। ठीक है,
चलिए ठीक है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज़ आज हम लोगों की समाप्त हो गई, ठीक है, आज की द हिंदू PIB करंट अफेयर्स की, ठीक है। और जल्दी हम लोग दोस्तों लोअर और UPPCS और RO ARO के लिए एक GS की न्यू क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। संभवतः कल या परसों में स्टार्ट कर देंगे, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 200 जो होंगे वो आपके UPPCS और लोअर और RO ARO और बाकी जैसे MPPCS है, UKPCS है, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए वो महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो कल या परसों से संभवतः स्टार्ट हो जाएगी, करंट अफेयर्स जैसे ख़त्म होगी हम लोगों की वैसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी ये द हिंदू की करंट अफेयर्स ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।